गैंग, वेलकम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा हाथ में थोड़ा सा कुछ हो गया है। आई थिंक दो दिन पहले कुछ मुझे शाम को मैं सो रहा था और उठा एंड कुछ काट लिया। सो एनीवे, वेलकम बैक अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग ऑन द वुल्फ गैंग ऑन द वुल्फ गैंग चैनल। सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी बैक। सो आज ट्यूसडे 27th ऑफ जून, बजे है 8:30। सो आई एम फ्रेशन अप तो हो गया हूँ। आई एम गोइंग टू ईट माई फर्स्ट मील, सो इट विल बी प्रॉबली क्रीम ऑफ राइस, वन बनाना, टू स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन और उसी के साथ में अ लिटिल बिट ऑफ वन टेबल स्पून ऑफ हनी, दैट्स इट। सो फील्स वेरी गुड टू बी बैक अगेन विद आर जो अपना रेगुलर व्लॉग्स वगैरह है। एंड इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे मेरे शो गया है, मेरा क्या था एक्सपीरियंस एंड हाउ आई फेल्ट। फिर मैं क्यों दो तीन महीने से मैं ऑफ था मेरे YouTube चैनल पे, ये सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है। सो होपफुली आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। मेरा गोल ये था कि पहले मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा पहले एंड देन व्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करूँगा, बट एक्चुअली वो कैमरा में इतना हैवी फाइल है और मेरे से वो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा ठीक से। मैंने ट्राई किया दो तीन दिन से बट वो हो नहीं रहा है यार, बिकॉज ऑफ दिस थिंग मेरा एक साइड पूरा सूज गया है। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत खाना खाया एंड यू गाइज नो दैट मेरा वेट सिर्फ स्टेज पे था अराउंड 86.2 था शो के दिन एंड मेरा अभी कितना 87.5 समथिंग या, तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस 1-1.5 किलो बढ़ा हुआ है और कुछ बड़ा नहीं। सो लेट्स प्रिपेयर माई फर्स्ट मील एंड देन विल डू चेस्ट वर्कआउट टुडे। कल बैक किया था मैंने, सोचा था वीडियो निकालूंगा पर हो नहीं पाया, सो वी आर गोइंग टू डू सम चेस्ट टुडे और बैक टू द रूटीन। एक हफ्ता मैंने क्या किया, वर्कआउट तो किया था बट आई वॉज नॉट ईटिंग माई फूड जैसे जितना प्रोटीन मुझे लगता था। आई वॉज ईटिंग लाइक 3-4 मील्स, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट के जो शो के 2 महीना मैं एक्चुअल में अच्छे से सो नहीं पाया था। सो बॉडी इतना ज़्यादा मैं लाइक यू नो आई वॉज स्लीपिंग एंड जितना भी थोड़ा सा जो लाइक होता है ना क्रेविंग हो गया, छोटा सा कुछ जो भी था थोड़ा थोड़ा, वो सब मैं खा रहा था। सो अभी तो आई एम बैक ऑन द रूटीन। यस्टरडे ऑल्सो मैंने सब सही से खाया है, प्रोटीन मैंने बढ़ा दिया है। सो आज अभी पहला मील वही है, क्रीम ऑफ राइस, प्रोटीन पाउडर, 2 स्कूप्स, 1 बनाना एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। उसके बाद हम चेस्ट करेंगे। सो आई ट्राई टू शो यू गाइस कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ एंड कितने कितने सेट्स से ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि स्टिल अभी भी मेरा फैट लेवल कम ही है, थोड़ा सा वाटर आया है बॉडी पे, बट दैट डजेंट मीन दैट कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। हेल्दी तो हूँ बट मेरा बोन्स एक्चुअली स्ट्रांग है। सो मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक मेरा रिवर्स डाइटिंग पे हूँ जहाँ पर मैं 2 वीक्स आउट मेरा जो डाइट में फॉलो कर रहा था वो कर रहा हूँ मैं। रिवर्स डाइट हम क्यों करते हैं, बिकॉज हम एक अच्छे शेप में रहे, टाइट रहे बॉडी शो के बाद एंड उसी के साथ में हमारा रीबाउंड फेज में क्या होता है कि आप जितना भी आप खाते हो तो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू द मसल मास, बिकॉज आपकी बॉडी में फैट बहुत कम होता है और आप थोड़ा सा चीट करते हो तो आपके कैलोरीज वगैरह हाई भी होता है। सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड दोज मसल एंड दैट्स व्हाई रीबाउंड फेज आपको एकदम से बहुत खाना नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर गट ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा होगा 2-3 दिन में 10-12 किलो बढ़ा देते हैं और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 5वें-6वें दिन वो हॉस्पिटल में रहते। सो नेवर मेक दैट मिस्टेक। सो ईट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप खाओ मत हफ्ते, मतलब दिन में एक मील ऐसे बाहर का खाओ सोने से पहले या जो भी लंच या डिनर जो भी, जहाँ पर आपके फैमिली के साथ आप बैठ के खा सकते हो वापस लाइक नॉर्मल लाइफ, बट एक हफ्ते के बाद ट्राई टू कम टू अ बेस लाइन डाइट जो आप करते थे। एंड अभी मेरा टाइम निकला नहीं है, देखो यार उस शो में मैंने 5-6 बार चढ़ा था स्टेज पे तो ऑलमोस्ट आई डिड 4-5 quart ऑफ प्रोटीन। सो एनीवे सो रिबाउंड फेज टेक इट सीरियसली, डोंट वेस्ट इट, बिकॉज इससे आपका बेनिफिट ही होगा, हेल्थ वाइज में भी बेनिफिट होगा और बॉडी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है ये रिबाउंड फेज में। रिवर्स डाइट पे जाओ,
खाओ आराम से, हर दिन एक एक छोटा छोटा मील खाओ, बाहर का जो भी आपको खाना है एक हफ्ता पूरा खाओ चाहिए तो, पर एक हफ्ते के बाद कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। और मुझे लगता नहीं एक हफ्ते के बाद आपको जो क्रेविंग चेक होता है वो रहता है तो भी 2-3 दिन में या हफ्ते में, 7 दिन में या 2 या 3 चीट मील कर लो, वो भी छोटा छोटा, बट या दैट्स इट। सो एनी वे आई विल ईट माई मील, बनाना है मुझे पहले। सो ये my meal is ready, perfect, perfect, perfect. इसके अंदर तकरीबन 70 grams of carbs, sorry 90 grams of carbs, उसके साथ में 45 to 50 grams of protein and fats around 2 या 3 ग्राम है। मैं पीनट बटर नहीं खाता हूँ फर्स्ट मील में, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट मील के बाद तुरंत मैं कुछ जितना जल्दी हो सके मैं मेरा वर्कआउट कर लेता हूँ। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि पीनट बटर क्यों खाते, जैसे प्रेप के टाइम पे आप खा सकते हो बिकॉज यू ईटिंग एनी विच वेज बहुत कम खाना, सो वो टाइम पे आपका डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, सो आप वर्कआउट करने के टाइम पे आपको भूख नहीं लगती एंड आपके पेट में फिर भी खाना रहता है, सो इट हेल्प्स यू टू हैव एनर्जी थ्रू आउट द वर्कआउट। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं लगता कि भूख नहीं लगी है आपको, मेन फंडा तो वही है। सो ये है मेरा डायरी जो कि मैं वर्कआउट से पहले आई राइट डाउन क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, सो यू विल सी इन अ व्हाइल। सो ये खाना तो गर्म है, सो फर्स्ट लेट्स डू दिस। So, ये है मेरा इंट्रा वर्कआउट, ग्लूटामीन और EAA। ये मेरा प्री वर्कआउट, ये हो गया, और उसके साथ में आई पुट 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। इंग्रेडिएंट में लेता हूँ कभी कभार, जैसे कि टुडे आज है चेस्ट, सो मैं कार्ब पाउडर भी लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर है 20 ग्राम कार्ब्स इंट्रा वर्कआउट में, सो इट हेल्प्स यू। जैसे कि मेरा अगर वीक मसल है चेस्ट हो गया या मेरा लेग डे के दिन, जैसे आज मेरा हाई कार्ब है ट्यूसडे को, तो आई प्रेफर हैविंग थोड़ा सा कार्ब्स ड्यूरिंग माई वर्कआउट, सो दैट इज इसका मैं एक स्कूप लिया, इसमें मुझे 20 ग्राम कार्ब मिल रहा था, सॉरी ये 5 ग्राम है, तो उस वक्त शाम को मैं एक स्कूप वापस ले लूंगा अगर मुझे सोर ज्यादा लगा तो। और ये है CNP का इंट्रा वर्कआउट पानी, ड्यूरिंग वर्कआउट ज्यादा पानी नहीं पीता हूँ मैं, बट आई प्रेफर कीपिंग इट अराउंड 500 ml टू 600 ml, सो दैट पेट में एकदम भरा भरा नहीं रहेगा मुझे। सो दैट्स इट फॉर द प्री वर्कआउट एंड द पोस्ट वर्कआउट।
What's up guys? So second meal for the day. Yes, second meal नहीं बोलूँगा, एक second meal snack है around 80 grams of muesli और zero sugar वाला लिया था ये, और इसके साथ में मैंने mix किया हुआ है normal milk और fat free तो नहीं है, normal जो अमूल का है वो है, but मैंने उसमें 200 ml लिया है और उसके अंदर maximum पानी जितना मैं डाल सकता हूँ वो किया है. So right now this is my post workout मील जस्ट जो भी मेरे एरिया से जो मुझे वीक है या इम्प्रूव करना है, सो आई ट्राई टू हैव अ क्विक स्नैक आफ्टर माई वर्कआउट. तो इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज मुझे मिलेगा, थोड़ा सा अराउंड 10 टू 15 ग्राम्स ऑफ फैट्स है बिकॉज ऑफ द मिल्क, एंड प्रोटीन बहुत कम है इसमें. बट आफ्टर दिस मील अब बजे है अराउंड 12:30, सो इसके बाद अराउंड 1:30 तक मेरा चिकन डीप फ्रीज हो चुका है और मैं भूल गया सुबह निकालने के लिए हर वक्त की तरह. सो वो अभी हो जाएगा एंड देन राइस में बनाऊंगा, सिंपल चिकन एंड राइस मील रहेगा. सेकंड मील मेरा चिकन एंड राइस होगा. राइस तो मैंने बना लिया है बट चिकन अभी भी डीप फ्रीज है एंड अभी तक वो ठीक हुआ नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज राइस के बदले में मैंने बना रहा हूँ मैं पोटैटो एंड वन हाफ टमेटो एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन वेजी. पोटैटो इज अराउंड 300 ग्राम्स और उसी के साथ मैं 5 Caesar 30 ओके या सो 6 अंडे मैं खाऊंगा, 5 से 6 अंडे फुल, एंड उसके अंदर मुझे मिलेगा अराउंड 30 to 36 grams ऑफ प्रोटीन. सो इट्स अ गुड मील एंड सेकेंड मील ये होगा मेरा बड़ा वाला मील, और उसके बाद मैं 3 मील बड़े और खाने वाला हूँ. सो मोस्टली 2 चिकन मील्स एंड राइस. और लास्ट मील आज एक्चुअली मेरा चेस्ट डे था, सो चेस्ट डे के दिन मैं लास्ट मील में मैं चीप मील भी करता हूँ. सो मोस्टली प्रॉबेबली होगा एक बर्गर एंड फ्राइज एंड मे बी अ शेक, अगर नहीं मन करा तो आई जस्ट स्टिक टू वन बर्गर एंड फ्राइज और मे बी पिज्जा और फ्राइज, ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो स्टे ट्यून्ड, व्हाट इज माय चीप मील फॉर पोस्ट चेस्ट डे. या प्लीज. The second meal is right there, big meal, capsicum, half tomato, 300 grams of potato and 6 holic. Amazing meal which is right there. Trust me, ye meal actually mujhe bahut pasand hai kyunki zyada heavy nahi rehta hai because of eggs, and I like this meal, it's beautiful. So aap जैसे कैप्सिकम हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, और जो भिंडी होता है अपना वो भी काफ़ी अच्छा फाइबर होता है. सो मेरे जो शेरू क्लासिक का मैंने किया था पूरा प्रेप, मैं एक्चुअली ग्रीन बीन्स और सिर्फ भिंडी खा रहा था एज अ वेजिटेबल्स में, बिकॉज भिंडी हमको लगता है कि ज़्यादा करके हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एस्पैरागस लेते हैं, हम बोलते हैं कि यार इट्स नेचुरल डायरेटिक्स वगैरह. अगर आप पढ़ोगे अपना जो नॉर्मल लेडी फिंगर है, जो नॉर्मल भिंडी है, वो भी एक्चुअल में एक नेचुरल डायरेटिक्स है, और ग्रीन बीन्स भी. सो इफ और सबसे सस्ता है और सबसे पूरे साल भर के सीजन में आपको मिलेगा ग्रीन बीन्स या भिंडी. सो ट्राई टू हैव दैट, एक्चुअली इट्स वेरी गुड. और मेरे पूरे प्रेप में एक्चुअल में मैंने सिर्फ वो लिया था. लास्ट ईयर मैंने ग्रीन पीस लिया था जो मटर होता है, बट मटर से थोड़ा सा गैसी फील हो रहा था, बट अदरवाइज पालक, ग्रीन बीन्स और भिंडी इज द बेस्ट फाइबर सोर्स. सो दिस द मील, आई गोना एंजॉय इट. गाइस, सो एक्चुअली आई हैड माय थर्ड मील एंड देन आई फॉरगॉट दैट कि यार मेरे को दिखाना था. सो फोर्थ मील आल्सो विल बी सेम, सो आई विल शो यू फॉर दैट. बट बिफोर दैट ये मैं खा रहा हूँ इसका आधा, दैट विल बी अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ पपाया. वाई? बिकॉज पपाया इज गुड फॉर द डाइजेशन, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा खाना मेरा बढ़ रहा है एंड आई प्रेफर ईटिंग पपाया, बनाना एंड कभी कभी ऑरेंजेस, बट अभी कुछ सीजन है नहीं, सो आई प्रेफर ईटिंग बनाना, पपाया एंड मैंगो तो अभी हो गया, सो आई डोंट वॉन्ट टू ईट बिकॉज इट्स टू मच शुगरी. सो पपाया आई कैन ईट, सुबह भी मैं खा सकता हूँ, बट ऑलरेडी मेरा पहला मील थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आई डोंट वांट टू, बिकॉज उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, तो आई डोंट वांट टू हैव दैट. सो एक थर्ड मील के बाद एज अ स्नैक, एक घंटे के बाद मैं 150 ग्राम्स ऑफ पपाया खाऊंगा, फिर इसके बाद
अगेन चिकन राइस, वो भी मिला, वो मील मैं आपको दिखाऊंगा एंड देन लास्ट मील विल बी अ चीट मील, सो वेट फॉर दैट. What's up guys, so fourth meal for the day, solid meal, chicken and rice, 300 gram chicken, sorry 300 gram rice and 200 grams of chicken, a solid good meal, amazing beautiful meal. मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा pink salt डाला हुआ है, so amazing meal. So it's around 7:30 now. I should be eating around 9:30, 10. So let's see. तो पहले मैं ये खा लेता हूँ, उसके बाद I'll see you guys for the last meal. Stay tuned. What's up? So last meal for the day, fifth meal, double patty burger with some fries. इसके साथ में iced tea. ये खाऊंगा, इसके बाद आज का दिन खत्म. So cheat meal, have cheat meal on your weekend. Improvement जहाँ पर आपको करना है, have on those days. And then इसी के साथ में आज का ब्लॉग एक भी खत्म हो रहा है. And I'll see you guys in the next one. And now I'm gonna have this one.